नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिक में। जैसा कि आप सभी को दोस्तों पता है कि डीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए जो ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, यानी कि AIOAT जो ये टेस्ट होने वाला है, इसका जो नया सिलेबस है, क्योंकि अभी तक आप लोगों का जो सिलेबस था वो केवल और केवल 4 सब्जेक्ट्स का ही आपका जो पेपर था वो आता था, और 4 सब्जेक्ट में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट 25 नंबर को का देखने को मिलता था, यानी कि टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता था। लेकिन अब जो है उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे आपका जो पेपर होगा 100 नंबर का ही होगा, अब आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट होगा आपका 20 नंबर का। और सवाल था कि कोई निगेटिव मार्किंग होती है, तो दोस्तों कोई भी निगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए नहीं होती है। चलिए हम देख लेते हैं। और इससे पहले बताना चाहूँगा कि आपको अगर फॉर्म भरने में कोई भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो दोस्तों आपके सामने मेल दिया गया है RCI का, आपके सामने फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस जो आपके दिए गए हैं ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपको कंप्यूटर पर टेस्ट देना होगा। इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म आप सभी को पता है कि 22 जून से लेकर के 21 जुलाई तक जो आपके हैं ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही साथ कोर्सेज भी यहाँ पर दिए गए हैं कि डीएड स्पेशल एजुकेशन, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसबिलिटी जिसको हम पहले बोलते थे ID, और इसके पहले हम इसी कोर्स को बोलते थे MR, तो कन्फ्यूज ना होइएगा। ये जो कोर्स आपका है ID का, ये 2 साल का है लगभग में। जो DED स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज हैं, ये 4 कोर्सेज चल रहे हैं इस टाइम पे, और ये सभी कोर्सेज आपके 2-2 साल के ही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि IDD में HD का कोर्स मर्ज कर दिया गया, और यहाँ पर आपका MD में CP और DB का जो कोर्स है वो मर्ज कर दिया गया, यानी कि अब ये कोर्स आपको MD और IDD जो हैं इनमें मर्ज किए गए हैं। इसके बाद में मैं बताना चाहूँगा जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10+2 लेवल, और यहाँ पर मेन जो आपका इस वीडियो में बात हो रही थी कि जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके हैं, नो निगेटिव मार्किंग्स, आपकी जो प्रोविज़न है नो निगेटिव मार्किंग्स का है। आप निगेटिव मार्किंग जो भी आप अगर आप चाह ये सोच रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग होगी, 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर हम 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन हमारा चला जाएगा, या कुछ भी इस प्रकार से, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। आप 100 के 100 प्रश्नों को अपने पेपर में कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पहले ही बताए गए थे, लेकिन जो 5वां सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड किया गया है, ये ऐड किया गया है डिसेबिलिटी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स का, यानी कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड, यानी कि अक्षमता या हम कह सकते हैं विकलांगता या दिव्यांगता से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एक्ट हो, चाहे वो PWD एक्ट हो, RPWD एक्ट हो, NTA एक्ट हो, RCI क्या है और इसका गठन कब किया गया, WHO क्या है, ये सभी चीज़ें दोस्तों इस आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड ही आपके जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे। इंग्लिश आपको बता ही दिया गया था, रीजनिंग और न्यूमेरिकल्स में गणित के जितने भी, चाहे वो लाभ हानि के सवाल हों, अगर आपने कभी भी SSC का एग्ज़ाम देखा होगा, SSC का जो पैटर्न देखा होगा, वहाँ पर अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं, और बहुत ही हल्का, यानी कि न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगाने, आपको रीजनिंग बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगानी, वही पासे के सवाल, वही कैलेंडर के सवाल, यही सब सवाल आपके सामने मिलने वाले हैं। और इंग्लिश भी अगर आपने SSC या MTS 10+2 लेवल की पढ़ी हुई है, तो यहाँ से मान के चलिए कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल में ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाएँ। और जो भी आपका ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो यहाँ पर देख लीजिए कि 30 और 31 जुलाई 2022 को, हो सकता है कि डेट बढ़े, हो सकता है डेट ना बढ़े, लेकिन अभी जो डेट दी गई है वो 30 और 31 जुलाई ही दी गई है। इसके बाद में आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स के लिए है, और अगर आप लोगों को फॉर्म भरना है, तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आप लोग हमसे भी संपर्क कर सकते हैं,
जो भी फॉर्म फीस है, यानी कि जो अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से हैं तो आपके 350 रुपये और +53 रुपये जो है वो RCI का जो गेटवे ले रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए फीस साफ साफ दिखी हुई है कि यहाँ पर आपको 500 रुपये जो जनरल और OBC के लिए थे और 350 रुपये इन सभी कैटेगरीज़ के लिए हैं। तो जो भी ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो 53 रुपये इनमें सब में ऐड होकर के, यानी कि 350 वाला 403 का हो रहा है और 500 वाला 553 का हो रहा है। तो ये फीस कट रही है आपके जो पोर्टल हैं, चाहे वो आप डेबिट कार्ड से करें, चाहे क्रेडिट कार्ड से करें, चाहे नेट बैंकिंग से करें, तो इनसे आपकी जो फीस है ये कट रही है। तो दोस्तों आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म आपको नहीं भरना पता है, अगर हमसे आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी फ़ीस होगी यहाँ पर देख लीजिए, फी टेस्ट फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होगी, नॉन एडजस्टेबल होगी, यानी कि किसी प्रकार से आपका जो अगर आप फॉर्म नहीं देते हैं पैसा, अगर आप फॉर्म भरने के बाद में अगर आप अपना रिफंड मांगते हैं कि हम अब फॉर्म भर चुके हैं, हम पेपर नहीं देने जाएंगे, हम एडमिशन नहीं लेंगे, तो दोस्तों ये किसी भी प्रकार से रिफंडेबल नहीं होगी, RCI के द्वारा इसको रिफंड नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ 30 और 31 जुलाई 2022 को इस समय यहाँ पर दिया गया है कि पेपर आपका होने वाला है। पेपर आपका 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का आपका पेपर होगा, यानी कि 120 मिनट आपको जो है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ नए प्रश्नों के साथ में। हो सकता है कि 2 से आपका जो आवर है अगर बढ़ते हैं तो 2.5 घंटे भी आपके हो सकते हैं, लेकिन 1.5 घंटे का पेपर नहीं होगा। साथ ही साथ बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फॉर्म नहीं भरा है और अगर आप DED स्पेशल एजुकेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों फॉर्म भर दीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।